देखो आने वाले टाइम में रेबल प्रभास की एम्बिशियस मूवी प्रोजेक्ट के और हाई वोल्टेज संदीप रेड्डी वांगा की डेडली कॉम्बिनेशन में बन रही स्पिरिट ये मूवी वो इंसेन पैन इंडिया फिल्म्स है, जिसका सुपर शार्प साईफाई एक्शन ड्रामा से भरा डेडली आर रेटेड कंटेंट अपने इपिक स्टोरी टेलिंग और विजुअली वर्ल्ड बिल्डिंग से इतना ज्यादा मूवी के कॉन्टेंट के अंदर पोटेंशियल रखता है कि वो रातों रात जायंट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक न्यू लेवल का बेंचमार्क सेट कर दे। तो ऑन टू द पॉइंट मुद्दे की बात ऐसी है कि मोस्ट प्रॉमिसिंग मूवी प्रोजेक्ट के और स्पिरिट को लेकर तगड़े दिलो दिमाग को ऑर्गेज्म देने वाले ऐसे अपडेट्स आए हैं, जिससे तुम्हें एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि इन दोनों भी मॉन्स्टर मूवीज को कितने बड़े फ्रिकिंग विजन और स्केल के साथ बनाया जा रहा है। तो मैग्नोपस पैन वर्ल्ड मूवी प्रोजेक्ट के की बात करें तो अब क्योंकि रेबल प्रभास के साथ नाग अश्विन के डायरेक्शन में बन रही प्रोजेक्ट के जो एक्चुअली में मॉडर्नाइज वर्जन है द ग्रेट महाभारत का, तो पूरा मुद्दा मामला ऐसा है कि आफ्टर वी सॉ द शॉकिंग पंपिंग लुक ऑफ लेजेंडरी अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा, जिसने इस तगड़े फैन थ्योरी को कंफर्म कर दिया है प्रोजेक्ट के फ्यूचरिस्टिक मॉडर्नाइज वर्जन है महाभारत का। तो ऑफ कोर्स दिमाग में कीड़े दौड़ा देने वाला क्वेश्चन ये उठता है कि डार्लिंग प्रभास का कैरेक्टर मूवी के अंदर महाभारत के किस लेजेंड वॉरियर से इंस्पायर होगा। और दिल को ऑर्गेज्म देने वाली बात यह है कि प्रभास के इस आइकॉनिक कैरेक्टर के डिटेल्स आउट हो चुके हैं और फैन को टीज करने वाले नॉटी चटपटे रूमर्स की माने तो किलर प्रभास महाभारत का लेजेंड वॉरियर महारथी कर्ण के एपिक कैरेक्टर को प्ले करेगा। अब महाभारत का लेजेंड वॉरियर कर्ण के बारे में इन शॉर्ट कहूँ तो द्वापर युग का सबसे बेस्ट धनुर्धारी द ग्रेट वॉरियर कर्ण को ही कहा जाता है। और एंशियंट हिस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि वॉरियर कर्ण के पास एक ऐसा अल्टीमेट कवच था जिसे गॉड भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे। अब दुर्योधन का बेस्ट फ्रेंड सन ऑफ कुंती कर्ण के इपिक कैरेक्टर को प्रोजेक्ट के अंदर कितने अल्टीमेट वे में सुप्रीम सुपर पावर्स के साथ मूवी के अंदर यूज करेंगे, इसका दूर दूर से भी कोई आइडिया नहीं कि नाग अश्विन कर्ण जैसे लेजेंड कैरेक्टर को कितने इंसेंट तरीके से बिग स्क्रीन पे शोकेस करेगा। बट अगर इस अपडेट के बाद तुम्हें ऐसा जोरदार तरीके से फील हो रहा है मूवी के अंदर लॉर्ड विष्णु का 10th अवतार सुप्रीम कल्कि को नहीं दिखाया जाएगा तो ये बात गलत है, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था प्रोजेक्ट की मूवी की टाइमलाइन फ्यूचर पे बेस है, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 का मैसेकर दिखाया जाएगा और इस वर्ल्ड के एंड गेम को कम्प्लीट करने के लिए कल्कि अवतार को एंड में अर्थ पे आना ही होगा। तो प्रोबेबली देखा जाए तो इससे एक बात तो क्लियर कट पता ही चल चुकी है प्रोजेक्ट के बारे में, मूवी के कैरेक्टर बहुत ही हेवी तरीके से महाभारत के मेटाफोर्स को यूज करते हुए लेजेंडरी वॉरियर कैरेक्टर्स को यूज कर रहे हैं। बस अभी ये पता चलना बाकी है मूवी का मेन एंटेगनिस्ट कमल हसन का कैरेक्टर द ग्रेट महाभारत के किस डिस्ट्रक्टिव वॉरियर से हेवीली इंस्पायर होगा। बट क्या तुम्हें पता है बैडएस प्रभास की हाइपर हाई वोल्टेज मूवी स्पिरिट का थंडरस वे में प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब देखा जाए तो जो भी लौंडे इनिशियल डेज से स्पिरिट मूवी को फॉलो कर रहे हैं उसे पता होगा कि वॉयलेंस क्या चीज होती है दिखाने वाला डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा और बैडएस प्रभास की ब्लडी कॉम्बिनेशन में बन रही स्पिरिट मूवी एक कॉप आर रेटेड एक्शन मूवी होगी, जिसमें रूथलेस प्रभास का कैरेक्टर एक ऐसा एंग्री पुलिसमैन होगा जिसकी दहशत किसी फकिंग गैंगस्टर से कम नहीं होगी। फिलहाल तो इतनी डिटेल्स मूवी के मेन प्रोटैगनिस्ट के बारे में निकल के आए हैं, बट तगड़े रूमर्स ऐसे निकल के आ रहे हैं कि ब्लड की नदी पे कश्ती पे सवार इस एंग्री मैन को उड़ाने के लिए बॉलीवुड का सिंगर स्पिरिट मूवी का सुपर विलन हो सकता है। और भाई साहब जॉन विक की कसम अगर इस चटपटे रूमर्स के अंदर 1% की भी सच्चाई है तो रेबल प्रभास और डेविलमैन अजय देवगन के बीच में जो इपिक वॉयलेंस से भरा मैड मैड ब्रूटल जो फेस ऑफ होगा वो आर रेटेड एक्शन से भरा कंटेंट मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट होगा। I mean, कौन नहीं देखना चाहेगा ऐसे बॉम्ब ब्लास्टिक सुपरस्टार्स को एक मे को ब्रूटली कूट कर खोपड़ी खोलते हुए। और वैसे भी संदीप रेड्डी वांगा जिस स्टाइल में नॉर्मल सीन को भी वॉयलेंस की तरह दिखाता है तो जस्ट इमेजिन ये बंदा एक फुल फ्लेश आर रेटेड कंटेंट किस तरीके से बनाएगा। वैसे रेबल प्रभास के प्रोजेक्ट के और स्पिरिट मूवी में से एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे, इस पर अपने तगड़े रीजंस और थॉट्स पूरा लॉजिक लगाते हुए कमेंट कर सकते हो। तो इसी बात पे जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नई कॉन्टेंट के साथ, टेक केयर, गुड बाय।